हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब बारिश ख़त्म होने को ही है, मतलब यही मंथ बचा है जिसमें बारिश होनी है और इसके बाद विंटर्स स्टार्ट हो जाएंगी। और विंटर्स जो है बहुत सारे फूलों का सीज़न होता है, इसमें मैक्सिमम फ्लावर्स खिलते हैं बहुत सारे। तो इस टाइम अगर हम अपने विंटर्स के फ्लावर्स की तैयारी करेंगे, मतलब सीड्स वगैरह लगाएंगे, तो विंटर्स आते तक, मतलब समझिए अक्टूबर का लास्ट वीक, नवंबर के फर्स्ट वीक से हमारे बगीचे में खूब फूल ढेर सारे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आप जैसे आज सितंबर की फर्स्ट है, तो आप हफ्ते भर में 10 दिन में आप कभी भी बीज लगाना शुरू कर दें। और बीज लगाने के लिए जो आप ग्रोइंग मीडियम लेंगे वो सैंड और कोकोपीट मिला के लें, ठीक है? तो उससे वो वेल्ड्रेन सॉइल बनी रहेगी। और इनको लगाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सीडलिंग ट्रे होना चाहिए, आप किसी टेकअवे के डब्बे वगैरह में भी लगा सकते हैं। इस तरह के टेकअवे के डब्बे सबके घरों में होंगे ही, और बस उनमें देखिए ड्रेनेज होल आपको करने हैं, और इनके ट्यूब ऊपर आप टिश्यू वाले जो बैग्स होते हैं उनको काट के बिछा के और अपना ग्रोइंग मीडियम बिछा के प्लांट्स लगा दीजिए। और क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो इसलिए इनको ऐसी जगह में रखें इनके ऊपर ज़्यादा पानी ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ने से ओवर वाटरिंग से ये जो हैं बीज गल भी सकते हैं, सड़ भी सकते हैं, ठीक है? तो इनको लगा के अगर वैसे तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है बारिश ज़्यादा हो रही है तो फिर इन्हें शेडेड एरिया में रख लीजिए। घर में सीड्स से प्लांट्स ग्रो करना काफ़ी सस्ता पड़ता है और आपके पास अच्छी खासी वैरायटी होती है, तो अच्छा रहे कि आप दो तीन फ्रेंड्स मिलके और अलग अलग तरह के बीज ग्रो करें और उसके बाद फिर आपस में एक्सचेंज करने की हो जाएगी। क्योंकि नर्सरी से आप कोई भी पौधा लेते हैं 20-25 रुपए से कम में आता नहीं है, और अगर पौध भी लेते हैं जैसे छोटे बेबी प्लांट्स भी लेते हैं तो वो भी 5-4 रुपये से कम के आते नहीं हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम कौन कौन से प्लांट्स के सीड्स लगा सकते हैं। अभी भी टाइम है कि आप कटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे क्रिसमेंथियम की। देखिए क्रिसमेंथियम की एक तो आप लोग लॉट लगा चुके होंगे जो अभी अच्छी खासी गमलों में लग चुकी होगी, लेकिन अभी आप एक लॉट और लगा सकते हैं, ये कटिंग आपकी तैयार हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद, ठीक है? तो जब आपका पहले वाले गमलों के प्लांट ख़त्म हो रहे होंगे, पौधे उसके फूल ख़त्म हो रहे होंगे, तब ये वाला पौधा आपका तैयार हो जाएगा उन प्लांट्स में शिफ्ट करने के लिए। बीज से लगने वाले पौधों में नंबर 2 पे आता है सेलोसिया, तो इसके बीज यहाँ पे होते हैं, देखिए ऐसे निकलते हैं, और इसमें ये जो काला काला निकल रहे हैं ना राई जैसा, यही इसके सीड्स होते हैं, है ना? वैसे मेरे यहाँ तो ये अपने आप ही उगते रहते हैं, लेकिन अगर आपने रखें तो आप लगा सकते हैं इनको बड़े आराम से। और ये सीड्स जो बहुत बारीक सीड्स हैं उनको अच्छा रहेगा, आप थोड़े से सीड निकाल के किसी सैंड में रेत में मिला लीजिए, है ना? तो उनको फिर ऐसे डालने में आसानी रहती है, क्योंकि वो ऐसे करके डाल तो इकट्ठे एक ही जगह गिर जाते हैं, फिर आधे से तो उसमें सड़ ही जाते हैं। नंबर 3 पे है क्रिसमियम, सीड से भी उगाए जा सकते हैं, तो इनके सीड्स मिलते हैं, तो ये बड़े कलरफुल होते हैं, इनको सीड्स को आप लगा लीजिए। और इनकी प्लांट्स की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं होती, ये समझिए 9-10 इंच तक की हाइट के होते हैं, तो ये 6 इंच के पॉट में खूब अच्छे लग जाते हैं। विंटर्स का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्लांट होता है वो होता है पिटूनिया, है ना? तो ये बहुत कलर्स में आता है और इसके सीड्स आप लगा सकते हैं अभी, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बॉर्डर भी बनाते हैं अपनी क्यारी के आसपास, उससे भी उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। एक ही पॉट में 3-4 कलर के आप लगाते हैं तो भरे भरे बहुत सुंदर लगते हैं। और ये पिटूनिया जैसा ही एक और प्लांट होता है क्लार्किया, पिटूनिया और क्लार्किया सेम होते हैं, लेकिन पिटूनिया जैसे सिंगल पेटल का होता है और क्लार्किया में मल्टी पेटल होते हैं, ये फ़र्क होता है। दोनों की पत्तियाँ भी काफ़ी कुछ, मतलब 99% तक एक जैसे दिखती हैं, और इनको लगाने का तरीका भी सेम है। और इनको अगर आप महीने में मतलब 3-4 दिन में एक बार पानी देंगे सफिशेंट है, एक बार जो आप इनकी वेल्ड्रेन सॉइल बनाते हैं वो इनके पूरे 3-4 महीने चलती है, और फूल काफ़ी लंबे चलते हैं, मई तक चलते हैं। मेरे 1-2 पौधे अभी तक चल रहे हैं पिछले साल के, ठीक है? नंबर 6 पे आता है स्टॉक, इसके जो होते हैं प्लांटेज का वही 7-8 इंच ऊंचा होता है, पॉट में लगाने के लिए बहुत बढ़िया होता है, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और आप इसकी बॉर्डर भी बना सकते हैं। और इसमें जो फूल होते हैं लंबी लंबी इनकी स्पाइक्स निकलती हैं और जो कोनिकल शेप में होती हैं और फूलों से भरी रहती हैं, एक स्पाइक कई दिन तक चलती है और बहुत सुंदर लगते हैं और नो मेंटेनेंस, बहुत ही कलरफुल प्लांट है। नंबर 8 पे है सालविया,
साल्विया के कई कलर्स आते हैं, जैसे ये रेड दिख रहा है, इसमें ऑरेंज कलर भी होता है, कभी कभी वाइट और पिंक भी मिल जाता है, मैरून कलर, मैरून और पर्पल कलर भी कभी कभी मिल जाते हैं, और ये भी बहुत अच्छा चलता है, बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक इसका खिलता है, मतलब आप इसकी लगाते रहें बीज एक दो बार तो आपके समझिए मार्च अप्रैल तक, मई तक बहुत अच्छे इसके फूल आते रहते हैं, और ऐसे ही इसकी स्पाइक निकलती है और उसमें फूल फूल भरे रहते हैं। नंबर 9 पे है वर्बीना। वर्बीना बहुत छोटी हाइट का प्लांट होता है, समझिए 7-8 इंच तक की हाइट का होता है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है और पॉट में भी बहुत अच्छा लगता है, और आप इसकी बॉर्डर वगैरह भी बना सकते हैं, कोई जगह आपके भरने को लैंडस्केपिंग वगैरह में तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम आ सकता है। और इसके फूल बहुत छोटे छोटे बंचेज में आते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है ये फुल सनलाइट का प्लांट है और मई जून तक बहुत अच्छे फूल देता रहता है। ये मेरे पास अभी भी चल रहा था, अभी 2 दिन पहले जब बहुत तेज़ बारिश हुई है तो उसमें ख़राब हुआ है, तो ये बहुत लंबे चलते हैं और आप इन्हें कटिंग से रीग्रो करते जा सकते हैं, और इसी के जो सीड्स निकलते हैं उन्हीं को आप बार बार डाल के उगा सकते हैं। नंबर 10 पे हैं कॉस्मॉस। कॉस्मॉस भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फूल खिलने वाला प्लांट है और नो मेंटेनेंस, आप एक बार लगा लेते हैं तो इसके फूल सूख सूख के अपने आप इधर उधर गिरते रहते हैं और इनके मतलब फूल प्लांट सूखते रहते हैं आपके पास लगातार तो। और इसमें 3-4 कलर के होते हैं, ये सिंगल पेटल भी आते हैं और ये डबल पेटल भी आते हैं। और फ्रेंड्स, प्लांट्स आप कुछ पौधे मतलब सॉरी जो आप बीज ले रहे हैं वो हाइब्रिड वेराइटी के लीजिए, वो इसलिए कि हाइब्रिड वेराइटी के सीड्स का रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है और वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने घर में अपने सीड्स इकट्ठे करके रखे हैं वो भी आप लगाइए, देखिए जैसे मेरे ये हॉली हॉक के हैं और ये मेरे लास्ट ईयर के हैं और इनको मैं अभी लगाऊंगी, है ना। हॉली हॉक भी बहुत लंबे लंबे जाते हैं, समझिए 2-2 मीटर ऊँचे जाते हैं, ये पॉट में भी लग जाते हैं और ज़मीन में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लंबी लंबी स्पाइक्स होती हैं और पूरी स्पाइक्स फूलों से भरे हुए होते हैं, जैसे चाय पीने का कप होता है ना, इतने बड़े बड़े इनके फूल होते हैं और कई कलर्स में होते हैं ये, पिंक, मैरून और रेड कलर, वाइट कलर, पर्पल कलर, कई सारे शेड्स होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बालसम। बालसम की 2-3 तरह की वेराइटी होती हैं, एक तो ये अपनी पूना वाली होती है, है ना, उसके पत्तों के कलर थोड़े डार्क से होते हैं, और एक अपनी देसी वाली वेराइटी होती है गुलमेहंदी, तो आप दोनों तरह की लगा सकते हैं और उनमें खूब भर भर के फूल आते हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, कुछ आपसे चाहता नहीं है, फुल सनलाइट और थोड़ी सी मिट्टी में आप नमी रखें और वेल ड्रेन सॉइल हो। नेक्स्ट इसमें आता है गॉम्फ्रेना। इसमें भी बहुत वेराइटी आती है, कलर की बहुत वेराइटी है इसमें और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और जो ये इसके फूल जो हैं सूखने के बाद भी कई दिन तक लगे रहते हैं, लेकिन ये फुल सनलाइट में है, वैसे तो ये पूरे साल चलने वाला पौधा है, कि आप मतलब पूरे साल चलने वाला पौधे से मतलब है कि एक बार पौधे में फूल आके ख़त्म हो जाते हैं तो आप उसको दोबारा लगा, मतलब साल में आप 2-3 बार इसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं, फूल लगा सकते हैं और इनके आनंद उठा सकते हैं, फूल सूखने के बाद भी वैसे ही दिखते हैं जैसे कि फ्रेश फ्लावर हो। नेक्स्ट इसमें आता है डेलिया। ये सिंगल पत्ती वाला डेलिया है। अगर आपके पास डेलिया की कटिंग्स हैं या मतलब पुराना डेलिया की बल्ब्स हैं तो उनमें भी शूट्स निकल रहे होंगे, उनकी कटिंग्स भी आप अभी लगा दीजिए सैंड में ही, तो वो आपकी तैयार हो जाएंगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिंगल पत्ती वाला डेलिया है, इसमें बहुत फूल आते हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के सिंगल पत्ती के बहुत फूल आते हैं, और इसको भी आप 2-3 बार लगा के अभी इसकी मई जून तक इसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं 2-3 बार में, और बहुत फूल आता है इसमें, तो ये सीड से ग्रो होता है और सीड्स आपको सैंड और कोकोपीट में ही लगाने होंगे। और फ्रेंड, विंटर्स की बात की हमने और गेंदे की बात ही नहीं की है तो गड़बड़ हो गई ना। विंटर्स का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बहुत मतलब सभी घरों में मिल जाने वाला गेंदा होता है, और गेंदे की 2-3 वेराइटी आती है, और सबसे पहला तो होता है कि वो छोटा वाला जाफरी, छोटी हाइट का होता है, 5-6 इंच की, 6-7 इंच की हाइट होती है, मैरून कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं उसमें। और एक फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, एक हाइब्रिड मैरीगोल्ड हाइब्रिड होता है गेंदा, इतने बड़े बड़े फूल आते हैं और काफ़ी घना होता है, ठीक है ना, और उसके भी सीड्स मिलते हैं और आप नर्सरी से उसके पौधे भी ले सकते हैं, दोनों तरह के हैं ये। और जो घना वाला है उसकी भी हाइट, उसमें भी 2 तरह के आते हैं, एक छोटी हाइट के, एक बड़ी हाइट के, और ये पॉट में बहुत आसानी से लग जाता है और फुल सनलाइट का प्लांट है, और इसको आप बहुत कम देख रेख में आपके 2-3 काम कर देता है। तो पहला काम तो ये है कि ये बहुत लंबे टाइम तक खिलता रहता है, एक फूल खिलता है सूख जाने मतलब 1.5 महीने तक वो चला चल जाता है फूल। दूसरा ये कि भाई ये बहुत अच्छा पेस्ट कंट्रोल है,
आप इसको अपनी सब्जी वाले पौधों के बीच में लगा के रखिए, उन पर पेस्ट वगैरह नहीं आएंगे। आप अपने कमरे में रख लीजिए, मक्खी मच्छर की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। और इनको आप सब्जी वाले पौधों के बीच में ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि इनसे पॉलिनेटर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं और आपकी सब्जियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि फूल बन गए हैं लेकिन फल नहीं बना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये एक दो सब्जियों वालों के बीच में लगे रहते हैं पौधे गेंदे के, तो उन पर बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं और आपकी सब्जियों के पॉलिनेशन कर देते हैं और बहुत सारी आप सब्जी की हार्वेस्ट ले सकते हैं। इनके सीड्स भी मिल जाते हैं मार्केट में, कटिंग भी आपको मिल जाएंगी, है ना। और आप अगर उगा लेते हैं तो बार बार कटिंग लगा के भी इन्हें रीग्रो कर सकते हैं। जो मैं लगाती हूँ, मैं तो खरीद के खरीदती ही हूँ, पूजा के जो फूल होते हैं वही क्यारी में डालती रहती हूँ। ये भी पूजा की ही माला है। और इसके जो काले हो जाते हैं ना बीज, देखिए दिखाती हूँ मैं खोद के, ये तो ये जैसे ये वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, जो काले से हो रहे हैं, इनको थोड़े और पक जाएंगे तो डार्क ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ये ही सीड ग्रो करेंगे, ये जो वाइट वाले हैं ये ग्रो नहीं करेंगे। तो बस इनको हल्का साफ डाल दीजिए और हल्की मॉइस्ट में बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीड्स मैंने आपको बताए, इनके अलावा भी अभी बहुत सारे बीज हैं जो आप लगा सकते हो। मिलता है तो मैं आपको फिर से ला के एक पार्ट और इसका बना दूंगी। और आई होप इनको आप अभी लगा देंगे तो विंटर्स तक आपके पास बहुत सारे फूल होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।